समंदर की गहराई में जाते ही कुछ लोगों को डर लगने लगता है, और अगर ये पता चल जाए कि पानी के नीचे कुछ डरावने जीव मौजूद हैं, तो वैसे ही सांस अटक ही जाती है। समंदर के गहरे पानी में कई डरावने और घातक जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो आमतौर पर दिख जाते हैं लेकिन कुछ अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही डरावने और घातक जीवों की जानकारी आपके लिए लाए हैं, जिन्हें देखने के बाद आप पानी में जाने से पहले फिर एक बार जरूर सोचेंगे। नंबर एक पर ब्लैक ड्रैगन फिश। 6,500 फीट की गहराई में पाए जाने वाली ब्लैक ड्रैगन फिश एक छोटी लेकिन घातक मछली है। मादाएं 15.7 इंच, नर की तुलना में काफी लार्ज होती हैं, जो 1.9 इंच लंबे होते हैं। नंबर दो पर फैंगटूथ मोरे। फैंगटूथ मोरे ईल परिवार की सदस्य है, जो आमतौर पर अटलांटिक महासागर में 200 फीट की गहराई में पाई जाती है। इसके पास दांतों का एक घातक सेट होता है, और इन दांतों से वो क्या कर सकती है आपको बताने की जरूरत नहीं। नंबर तीन पर मरीन हैचेट फिश। मरीन हैचेट फिश गहरे समुद्र का जीव है। इसकी 40 अलग अलग स्पीसीज हैं। ये आमतौर पर अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर के पानी में लगभग 600 फीट से 4,500 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं। नंबर चार पर स्कॉर्पियो फिश। इसे स्टोन फिश या रॉक फिश भी कहा जाता है। ये हिंद और दक्षिण प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, जो आमतौर पर शिकारियों के ध्यान से खुद को सेव करने के लिए कोरल रीफ्स में छिपती हैं। नंबर पाँच पर स्लोएन वाइपर फिश। ये एक छोटी मछली है जिसकी लंबाई 8 इंच तक होती है। ये ट्रॉपिकल और समशीतोष्ण पानी दोनों में लगभग 650 फीट से 3,200 फीट की गहराई में पाई जा सकती है। दोस्तों, ये थे समंदर की गहराइयों में राज कर रहे कुछ रहस्यमय जीव, जिनको आपका वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक, और वीडियो के सभी भाग देखने के लिए कीजिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।